हाल ही में आए नीट परीक्षा के परिणाम में सिवान शहर के बिंदुसार के रहने वाले एक ही परिवार के भाई बहन ने सफलता हासिल की है, जिन्होंने कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर यह सफलता हासिल की है। इन भाई बहनों ने परिवार सहित जिले का नाम रोशन किया है, अब इनका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सकता है। इस सफलता पर बिंदुसार के मुखियापति सुभाष सिंह और परिवार के लोगों ने दोनों को माला पहना कर सम्मानित किया, वही मिठाई खिलाकर खुशी जताई और इनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। संजय कुशवाहा के पुत्र राजकुमार मौर्य ने 668 अंक और पुत्री निशु कुमारी मौर्य ने 690 अंक प्राप्त किया है। नीट एग्जाम क्लियर करने वाले भाई बहन के पिता संजय कुशवाहा एक बिजनेसमैन है और माँ हाउसवाइफ है। राजकुमार और निशु ने बताया कि उसने एंड्रॉयड मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, कड़ी मेहनत और प्रयासों से ही इसे पाया जा सकता है। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसने 7 से 8 घंटे पढ़ाई की और तनाव मुक्त रहने के लिए उसने अपने बाकी बचे समय में स्टडी के साथ अन्य काम किया है। मेरा नाम है निशु कुमारी मौर्य और मेरे स्कोर हैं 690। इसके लिए आपने कितनी कड़ी मेहनत की थी और परिवार से दूर रहकर भी आपने काफी मेहनत की? मेहनत तो बहुत करी है, डेली कंसिस्टेंसी, 7-8 घंटे पढ़ाई, रिवीजन, टेस्ट लगातार, टेस्ट मैंने टेस्ट सीरीज दी थी, करीबन 250 टेस्ट दिए मैंने, और मतलब क्लासेस जाना डेली, मतलब कि कितने घंटे पढ़ाई करती थी? 8 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी, बाकी कोचिंग क्लासेस रहती थी 4-4.5 घंटे की। नीट की तैयारी आपने कहाँ से की थी? एलएन करियर इंस्टीट्यूट कोटा से, ऑफलाइन सेंटर। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी सोचते हैं कि बाहर जाके हम पढ़ाई करने जाएंगे तो काफ़ी मुश्किल होगा और नीट जैसे टफ एग्ज़ाम को देने में काफ़ी घबराते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए है कि बाहर जाना इतना भी टफ नहीं होता है। हाँ, परिवार की याद आती है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग मिस करते हैं, फेस्टिवल्स नहीं मना पाते बहुत सारी, लेकिन एक ये है कि अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है और आप ज़रा डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो आप कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का साथ रहता है, टीचर्स गाइड करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सपोर्ट करती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप ख़राब फ्रेंडशिप में पड़ जाते हैं तो चीज़ें गलत रास्ते पे भी चली जाती हैं, लेकिन आपको खुद से सेल्फ डिसिप्लिन रखना है, ध्यान रखना है, फिर सब अच्छा होगा। क्या लगता है लड़कियां वो सब चीज़ कर सकती हैं जो एक लड़के कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकती हैं, आप मुझे ही देख लीजिए, मैंने किया है, और बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं लड़कियों की जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं, तो हाँ, लड़कियां कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। जब वो बाहर में पढ़ाई कर रही थी तो माँ की काफ़ी याद आई होंगी, क्या लगता है माँ का भी सपोर्ट मिला फिर? हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे माँ की याद आई, क्योंकि मेरी मम्मी साथ में ही थी मेरे, वो ध्यान रखती थी। हाँ, मेरी और दो छोटी मम्मियाँ हैं जो चाची हैं, तो उनकी याद आती थी, दादी थी, उनसे अलग रहे परिवार से, लेकिन माँ मेरे साथ थी तो उनका काफ़ी सपोर्ट था, इमोशनल सपोर्ट था, किसी चीज़ की ऐसे दिक्कत नहीं महसूस हुई। अगर बुरा लगता था, टेस्ट में मार्क्स कम आते थे, तो उनसे बात करते, वो फिर सपोर्ट करती कि नहीं, अगली बार अच्छा सही होगा, कर लोगी, तो हाँ, इमोशनल सपोर्ट की तो कोई दिक्कत नहीं आई। फिर आगे का क्या एम है? आगे का एम ये है कि अच्छे से अच्छा डॉक्टर बनना है, फिर अपने गांव का नाम और रोशन करना है, थोड़े लोगों की सेवा करनी है, सबका नाम रोशन करना है। ये है, डॉक्टर बन जाती है तो सिवान के लोगों के लिए खास क्या करेंगे आप? खास यहाँ पे आई विल मेक अ हॉस्पिटल, और फिर आगे अभी ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं है इस फील्ड में, और नॉलेज लूँगी और फिर आगे अच्छे से अच्छा डिसीजन लेके कुछ ना कुछ करूँगी। मेरा नाम राज मौर्य है, मेरे नीट में 668 मार्क्स हैं। किस तरह से आपने मेहनत की थी पूरे एग्जाम? जितनी रिक्वायरमेंट होती थी टीचर्स बताते थे क्लास में, ऑफलाइन सेंटर में था एलएन कोटा में, तो टीचर वहाँ के वेल एक्सपीरियंस हैं, तो अच्छे से बताते थे कैसे क्या करना है, तो उसी पाथ पे चलते जाइए, अपना मेहनत करते रहिए, आराम हो जाता है, ऐसा कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, ईमानदार रहते हैं खुद से, तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका, इतना इशू नहीं आता। कितना टाइम देते थे खुद को? जितना रिक्वायरमेंट होती थी उतना टाइम देता था, जैसे आज हमेशा ये था कि हमेशा 6-6 घंटे पढ़ना कंसिस्टेंटली, कभी 4 घंटे हो गए, कभी आज मतलब तबीयत नहीं सही लग रही या फिर कुछ अलग लग रहा है तो उसमें 2 घंटे, मतलब ऐसे एकदम वो नहीं था कि एकदम 6 घंटे ही पढ़ रहा हूँ, जितना रिक्वायरमेंट होती इतना पढ़ाया था वो कंप्लीट करता था, टेस्ट आता था ज़्यादा पढ़ता था, टेस्ट थोड़ा हो गया, क्लास टेस्ट हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, तो उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करता था, ऐसा नहीं था कि डेली 8 घंटे पढ़ रहा हूँ। अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो जो बच्चे हैं खासकर ज़्यादातर मोबाइल पर फोकस कर रहे हैं और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो नॉलेज कम और गेम को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। मेरा से क्या कहेंगे? जैसे कि मैं पर्सनली मैं कीपैड में रखता था वहाँ पे कोटा में, अगर जैसे कि डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए उतनी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती थी फ़ोन की, मम्मी फैमिली थी साथ में थी, मम्मी रहती थी तो उनका फ़ोन था, जो भी ऑनलाइन कुछ काम रहता था या फिर कुछ फॉर्म वगैरह फिल करना है, कुछ भी टेस्ट देना है या फिर कुछ रिसर्च का टेस्ट, मतलब सोचना है कि क्लास नहीं समझ पाया तो ऑनलाइन पढ़ना है, वो कुछ देख लेता था, ऐसे में बस पर्सनली फ़ोन नहीं था, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था। तो मैं सजेशन ये करता हूँ, अगर आप नेशनल लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कम्पिटेटिव, जो कि मतलब बहुत ही
लेवल का है कि आप हाँ पढ़ना पड़ता है उसमें काफ़ी, तो आपको एंड्रॉयड फ़ोन नहीं लेना चाहिए। और मतलब मुझे नहीं लगता है उसमें कुछ रिक्वायरमेंट है एंड्रॉयड फ़ोन की, आप कीपैड रख के भी अपना तैयारी कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आपको वीडियो अब दूर है, जैसे मम्मी मेरे साथ में थी, कुछ मम्मी नहीं रहती हैं साथ में, फैमिली नहीं रहती, अकेले रहते हैं, तो उनको पेमेंट वगैरह करना है, तो अपने अगर आप वेल डिसिप्लिन हैं जो फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं आप एक्स्ट्रा, तो अपने साथ फ़ोन भी रख सकते हैं, लेकिन आपको डिसिप्लिन अपना मेंटेन रखना पड़ेगा। अब आपको ही पता, आप गेम खेलने जा रहे हैं, आप एक साल अपने खुद को दे सकते हैं। कभी ऐसा हुआ कि मैंने कभी कहा हो कि मैंने तो यहाँ पे क्यों करा, और कुछ अलग कुछ काम करो या किसी तरह का? नहीं नहीं, ऐसा मुझे ऐसा प्रेशर कभी फील नहीं। घर मेरे घर की यही अच्छी बात है कि कभी भी कैसा प्रेशर नहीं आया। अगर ऐसे मार्क्स भी कमा दे तो कोई बात नहीं, कर लोगे, सब कर रहे थे, हाँ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले अटेंड मैंने पूरा कसम खा लिया कि डॉक्टर बना के मानेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, उनका था कि हाँ ठीक है, तो उनको मतलब भरोसा, एक फैमिली का भरोसा था कि हाँ कर लोगे, तो उनके देखते थे कि हाँ मार्क्स आ रहे हैं, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पढ़ते हुए देखते थे, तो उनको खुद ही भरोसा था कि हाँ कर लेगा। ऐसा कोई, अगर मैं खेलता बार कुछ करता तो देखता उनको डाउट आता ना कि हाँ कि नहीं कर पाओगे या फिर पढ़ लो, लेकिन वो देख रहे थे पढ़ा, तो उसको उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी ज़्यादा, हम लोग खुद पढ़ लेते थे। बाकी वो ऐसे कुछ घर के मतलब जैसे खाना वगैरह टाइम पे देना, तबियत वगैरह, तो उनका वो था सपोर्ट करते थे। ड्रीम क्या था कि यही तैयारी करें? पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई आपकी? मेरी पढ़ाई लिखाई गोरखपुर में हुई है, मतलब फैमिली बिजनेस पापा का, तो वहीं था, तो मतलब फैमिली पूरी रहती है, तो इधर का मतलब यहाँ सिवान में ये मेरा घर है, गोरखपुर में दोनों घर ही है मेरा, यहाँ भी रहता हूँ वहाँ भी, लेकिन मेरी पढ़ाई जो है गोरखपुर में हुई है मेरी मेनली, वहीं रहा हूँ। तो उसके बाद से फिर मुझे नीट का पता नहीं था एट तक, कि मुझे नीट में ऐसा कुछ होता है, नेशनल एग्जाम कुछ आइडिया नहीं था मुझे कि, तो चाचा मेरे हैं तो उन्होंने गाइडेंस दिया कि हाँ ये है, एडमिशन ले लो कोटा में, जाओ अच्छे से पढ़ो, तो फिर वहाँ मैंने लिया। फिर उसके बाद से फिर वहाँ तैयारी की, फिर लॉकडाउन वगैरह बहुत अप्स एंड डाउन्स आए बीच में, लेकिन फिर एट द एंड अभी सिलेक्शन हो गया है, एट द एंड अच्छा होता है। आपकी बहन ने भी इसमें बाजी मारी है, क्या लगता है इसका कितना सपोर्ट मिला? और भाई बहन में काफ़ी झगड़े भी होते हैं? नहीं नहीं, हमारे बीच में ऐसे झगड़े नहीं होते थे, हमारा था कि टेस्ट में कभी उसके ज़्यादा आ रहे, कभी मेरे ज़्यादा, एक दूसरे को बस बता देते, हाँ यहाँ गलती, एक दूसरे निकाल देते, बताते थे हाँ ऐसे करना, यहाँ ऐसे कर, किसी टॉपिक में वो अच्छी थी, किसी टॉपिक में अच्छा था, जिसमें मैं बुरा था वो मदद करती थी, इसमें वो बुरी थी मैं मदद करता था, तो ऐसे सपोर्टिव थे हम लोग, साथ में ही लेके चले थे। क्या उम्मीद है कि आप दोनों भाई बहन मिलकर अब डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहते हैं? ऑब्वियसली समाज की सेवा करनी चाहिए, मतलब अभी अभी तो पहले अपना MBBS कोर्स कम्प्लीट करना है, उसके बाद से देखते हैं कैसे, खासकर तो गाँव से लगाव है ही, तो गांव के लोग हैं मेरे, सबका सपोर्ट रहा है, सब आते हैं मिलते हैं, पता लगता है अच्छा लगता है यहाँ रह के, तो जैसे कि मैं ज़्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ, मतलब रहा नहीं हूँ, मतलब निकलता भी नहीं हूँ, लेकिन सबका सपोर्ट रहता है, सब आते हैं मुझे देखते हैं कि हाँ ये इनका लड़का है, मेरे दादा हैं ठाकुर प्रसाद, ये मेरे दादा हैं, तो सब जानते हैं हाँ ठीक है, तो आते हैं मिलते हैं, अच्छा लगता है, तो गाँव के लिए भी करूँगा, ऐसा नहीं है नहीं करूँगा, बहुत अच्छा करूँगा। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा इस पढ़ाई में? सबसे ज़्यादा सपोर्ट ऐसे तो किसी को ऐसे नहीं कर सकते, बायस नहीं रह सकते कि ये इसका ज़्यादा रहा, सबका अपने तरीके से, मम्मी का अपने तरीके सपोर्ट रहा, पापा का फाइनेंशियल सपोर्ट रहा, चाचा का फाइनेंशियल सपोर्ट रहा, दादा का इमोशनल सपोर्ट रहा, कि सबका अलग तरीके, सबका मेन सपोर्ट रहा, मेनली चाचा का, हाँ कि गाइडेंस दिया उन्होंने, अच्छे पाथ पे भेजा, तो उनको था कि हाँ ठीक है तुम कर लोगे तो बहुत आगे जाओगे, मतलब फैमिली अलग ही फिर डायरेक्शन चली जाती है, फिर आने वाली भी जो भी जनरेशन होगी वो भी अच्छे डायरेक्शन में जाएगी, तो चाचा काफ़ी सपोर्ट रहा है, पापा भी साथ में थे, बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है फैमिली ने। बहुत खुशी है, पूरे गांव के लोग को खुशी है, उनके पूरे परिवार को खुशी है, और सबसे खुशी हमारा ये है कि जिस दिन हमारे प्रत्याशी का, NDA प्रत्याशी का घोषणा हुआ, और इन लोग का भी घोषणा हुआ है, तो इससे अच्छा खुशी कहाँ है? सबसे अच्छा खुशी हम लोग को महसूस कर, दोगुनी खुशी मिल गई, दोगुनी खुशी मिली है, और दोनों बच्चा ने इस गाँव को, इस जिला का नाम रोशन किया है, और सबसे श्रेय उनके चाचा को जाता है कि उनके चाचा ने, अजय कुमार ने उनको गाइडलाइन दिए, और 9th से गाइडलाइन देने के बाद आज वो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमको लगता है कि आने वाले दिन में एक और हमारे बगल के भी बच्ची है ओम प्रकाश मोरिया का, वो भी 600 नंबर लाई है, घर से भी पढ़ कर 600 नंबर लाई है, तो हमको लगता है कि आने वाले दिन में सभी बच्चा पढ़ने में आगे बढ़ रहा है, यही उनके भविष्य के उज्ज्वल के कामना करता हूँ।